श्री श्याम दोस्तों, बानी का रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बिहारी स्टाइल में लिट्टी चोखा बनाने वाली हूँ। इसको कैसे बनाते हैं, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, पहले मैं लिट्टी बनाने के लिए आटा गूंथ लूंगी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाल दूंगी, थोड़ी सी नमक डाल दूंगी और मैं इसको आटे को नरम आटा गूंथ के रख लूंगी। देखिए, मैंने आटा गूंथ लिया है और इसको मैं ढक के रख दूंगी। अब मैं इसका स्टफिंग बना लूंगी लिट्टी का। तो चलिए हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम अब लिट्टी का स्टफिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये चने के सत्तू लिया है, ये एक कटोरी सत्तू है। अब मैं इसमें एक ठो ये कटी प्याज डाल दूंगी, थोड़ा सा लहसुन मैंने काट के रखा था उसको मैं डाल दूंगी, कच्ची मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पत्ता, ये आम का अचार है वो मैं डालूंगी। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, पर आम का अचार से इसका टेस्ट ज्यादा आता है, इसे मैं थोड़ा सा ये डाल दूंगी आम का अचार से। नमक, आधी चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूंगी और इन सबको मैं अच्छे से मिला लूंगी। सरसों डाल देने के बाद अब मैं इसमें एक से दो चम्मच में इसमें सरसों तेल डालूंगी, कच्चा सरसों तेल। अब मैं इन सबको अच्छे से मिला लूंगी। देखिए, मेरा स्टफिंग तैयार है, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इन सबको सत्तू के साथ। अब चलिए हम लिट्टी भरना आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने आटा का लोई बना लिए हैं। अब मैं इसमें सत्तू का स्टफिंग भरूंगी। तो इसको कैसे भरते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से अपने हाथों से हम इस बना लेंगे गोल शेप में। अब मैं इसमें इसका स्टफिंग भर दूंगी सत्तू का। तो इसे दबा दीजिए, इसको हल्के हल्के हाथों से मैं इसका पूरा मुंह बंद कर दूंगी। देखिए, मैंने सारी लिट्टी को स्टफिंग करके रख दिया है। अब मैं इसको सेकूंगी, मैं इसको फ्राई नहीं करने वाली, मैं इसको सेकूंगी, मैं इसको गैस पे ही सेकूंगी। तो चलिए, गैस पे कैसे सेकते हैं हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं इसको सेकने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है और मेरे पास इस तरह से स्टैंड है, उसको मैंने बैठा दिया है। अब मैं इस पे सारी लिट्टी जो मैंने स्टफिंग करके रखा है, मैं इसको आस्ते आस्ते इस पे डाल दूंगी। लो फ्लेम पे ही हम पका रहे हैं इसको, हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे पलट पलट के देख देख के। ये देखिए, मेरी लिट्टी कितने अच्छे से सिक रहे हैं और मैं इसको चारों तरफ से मैंने पलट पलट के सेक लिया है लिट्टी को। और ये बहुत ही अच्छा से सिका हुआ है और ये खाने में इस तरह से बहुत टेस्टी लगता है लिट्टी। देखिए, मेरी लिट्टी बनके तैयार है, मैंने इसको सेक लिया है। अब मैं इसी पे इसका चोखा बनाऊंगी, उसको भी मैं सेकूंगी, टमाटर आलू को पकाऊंगी इस तरह से। मैंने दो टमाटर ले लिया और दो आलू ले लूंगी, क्योंकि लिट्टी का मेन चोखा होता है, तो मैं चोखा भी पका हुआ चीज का एक अलग स्वाद होता है। इस तरह से मैं पका के इसका चोखा बनाऊंगी। देखिए, मेरा आलू और टमाटर का चोखा भी बनके रेडी है। मैंने टमाटर और आलू को जो मैंने पकाया था उसमें उसको मैं मैश कर दी हूँ, उसमें ये कच्ची मिर्ची और मैंने प्याज धनिया पत्ता देके इसको मिक्स कर दी हूँ और मेरा टमाटर और आलू का चोखा बनके तैयार है पूरा देसी स्टाइल में। चलिए, अब हम लिट्टी और चोखा का प्लेटिंग करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं देसी स्टाइल में पूरी देसी स्टाइल में लिट्टी चोखा बनके तैयार है और मैंने इसको ऊपर से मैंने देसी घी डाल दिया है। तो आप लोग भी अपने घर पे एक बार इस तरह से लिट्टी बनाइए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, पूरा अंदर तक इसका स्टफिंग अच्छे से हुआ है। तो आप लोग भी अपने घर पे इस तरह से ही लिट्टी बनाइए और मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि लिट्टी कैसी लगी। तो प्लीज़ आप लोग बानी का रसोई को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।